मैं हूँ ऑनरी सुधा मियोर जसा जामोल मणिपुर चांदिल डिस्ट्रिक्ट का मैं बौना हूँ। और ORFP की बारे में अभी जो है दिल्ली में एक दो महीना के अभी बैठा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ उसको कोई नहीं देख रहा है और उसका कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट है या नहीं, मैं हूँ बांग्लादेश लड़ाई में, हम लड़ाई गया था, मैंने बंदूक पकड़ा उसी समय जो गुथम गुथा का लड़ाई था, मैंने खुद लड़ाई गया, मेरे को क्यों हक नहीं मिलेगा। अभी जो हो रहा है ये जैसा आपका ये जनरल बख्शी बोल के उसको आंदोलन किया, उसी में ORFP के बारे में सामने में बैठ के उसमें पूरा फुतो खींच लिया। और जब फायदा के जब आता है मौका आता है तो नया फायदा उठा के अपने अफसरों का भी चुप हो गया। इनको क्यों है, हम जवान अपना गरीब आदमी यहाँ पर अपना घर को छोड़ के गुथम गुथा लड़ाई रखे, हम बांग्लादेश लड़ाई रखे और उधर लेह लद्दाख में ग्लेशियर में हम इतना ठंडा जगह में हम अपना जान और हथली में रखे हम लोग लड़ाई गया, अभी हमको अपना हक क्यों नहीं मिला है। और गवर्नमेंट अभी तक क्या कर रहा है, तो इसलिए देखो जब नरेंद्र मोदी भी जब वादा किया हुआ था उसने वन डे का हम मिलेगा देगा, अभी क्या दिया है उसने, जब थोड़ा थोड़ा जो जिन्होंने जो कुछ दे रहा है उसको, तो हम अपना देशों का अपना हक क्यों नहीं दिया है। इसलिए आज मणिपुर चांदिल डिस्ट्रिक्ट का हम लोग इकट्ठा करके हम लोग नाराज है, गवर्नमेंट से खुश नहीं है, BJP गवर्नमेंट क्या हो गया, छू गया और अपना बाल बच्चा रो रहा है उसको देख नहीं रहा है और क्या कर रहा है अभी, तो इसलिए हम लोग आज नाराज है। और हम लोग अभी दिल्ली में बैठा हुआ है, बुखार से बैठा हुआ है, उसको उल्टा पुल्टा से डांट कोई और वहाँ पर कोई अपने एक्शन नहीं दे रहा है, इसका क्या हुआ। गवर्नमेंट आप जवाब दो और हमको अपना हक लड़ रहा है और मिलने चाहिए। इसलिए मैं बार बार आप जब तक नहीं मिलेगा हम लोग को सोएगा नहीं खाएगा नहीं, हम लोग करते रहेगा जो भी हो, हम अपना वादा किया है, अपना जिंदगी पूरा फौजी में गुजर गया है, हम जहाँ पर क्या करेगा, अपना तनख्वाह 15,000 जो कुछ 30,000 क्या होता है, बाकी लाख लाख जो अफसर लोग खा रहे हैं उसको भी नहीं पहुँचता है ये लोग, ऐसा हम सिपाही राम क्या करेगा उसका गवर्नमेंट।